हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द लेक्चर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव शुरू किया था, कुछ सम्स किए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे। आई होप आप सबने उनको पढ़ लिया है, समझ लिया है, याद कर लिया है। तो बच्चों, ये डेरिवेटिव में जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी, मैक्सिमम आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, कॉन्सेप्ट बन सके बच्चों। तो लेट अस प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट x minus 1 over x plus 1 under root with respect to x। तो बच्चों, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव जिसका निकालना है वो x की टर्म्स है, तो x की टर्म्स को बोलते हैं fx। तो बच्चों, fx होता है y। तो हमारे पास y कितना है, x minus 1 over x plus 1 under root mean इसकी whole power 1/2। तो बच्चों, हमने डेरिवेटिव निकालना है इसका y का। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हर क्वेश्चन में ऐसे स्टार्ट करना है आपने। तो बच्चों, जब भी कभी किसी फंक्शन की पावर कांस्टेंट नजर आ जाए, हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका डेरिवेटिव पावर रूल से होगा। तो पावर रूल क्या बोलता है कि पावर को नीचे ले जाइए और इसकी पावर में एक छोटा कर दीजिए, बाद में इस x का डेरिवेटिव कर दीजिए। लेकिन इस x का डेरिवेटिव तो यहाँ पे 1 है, तभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो we have differentiate of y, derivative of y, dy with respect to x means dx। तो बच्चों, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए, कंपेयर करिए, जो पावर कभी भी किसी की कांस्टेंट हो जाए, तो पावर ये किसी की होल पावर कांस्टेंट है, तो ये रूल लगाना है हमेशा, हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे n कितना है, 1/2। ये बच्चों n है। पावर रूल क्या होता है, पावर को नीचे उतारिए और जो फंक्शन बचा उसकी पावर में एक छोटा कर दीजिए। पावर रूल, पावर को नीचे उतारिए और इसकी पावर में एक माइनस वन कर दीजिए, फिर इस x का डेरिवेटिव करिए। यहां पे तो 1 है, तो पावर को नीचे उतारिए, इस फंक्शन की पावर में एक 1 माइनस करिए, फिर डेरिवेटिव करिए उस फंक्शन का। तो दिस इज द पावर रूल। आई होप क्लियर है सभी को विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज पावर रूल, पावर को नीचे उतारिए, इसकी पावर में एक माइनस करिए, फिर इसका डेरिवेटिव करिए, इसका डेरिवेटिव करिए विथ रिस्पेक्ट टू। यहां पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर तो 1 नहीं है, इसमें लिखा नहीं है। तो ये कितना आ गया, 1/2 x माइनस 1 x प्लस 1। एलसीएम लीजिए, तो बच्चों इसका एलसीएम माइनस 1/2 आ गया। आई होप क्लियर। इनटू डी बाई डी एक्स हो, अभी इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। लुक हियर, तो इट इज इक्वल टू 1/2। बच्चों, कभी भी किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। तो पॉजिटिव बनाने कैसे है, रेसिप्रोकल। ये पावर नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, रेसिप्रोकल। तो x प्लस 1 ऊपर चल जाएगा, x माइनस 1 नीचे चल जाएगा। तो रेसिप्रोकल ले लिया, अब नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गई, ये प्लस की 1/2 होगी। तो बच्चों, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो, उसका डेरिवेटिव हम क्वोशेंट रूल से करते हैं। याद है बच्चों, इसको मैंने फर्स्ट बोला था, ऊपर वाले को सेकंड बोला था। तो रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज क्वोशेंट रूल। प्लस 1 में भी बताया हुआ है आपको। तो बच्चों, यहां पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाला फर्स्ट, ऊपर वाला सेकंड। तो रूल क्या है, क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं बच्चों, v का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड कौन है, x माइनस 1 माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज x माइनस 1 सेकंड है बच्चों, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो नाउ इट कम्स टू बी, बच्चों यहां पे होल पावर है, सिंपलीफाई करने के लिए दोनों की अलग से पावर 1/2 लिख दी। तो ये बीच में प्लस माइनस हो तो अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव याद किया हुआ है हमने 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव याद है हमको 0। तो बच्चों, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर आंसर आ गया है। सिंपलीफाई करेंगे सिर्फ, इसकी पावर 1/2, इसकी जितनी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो सकती है करिए।
एक्स प्लस वन इंटू वन एक्स प्लस वन, बच्चों वन नहीं है, ओपन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये बन जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये वन बाय टू, ये एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, वन इंटू वन टू, नीचे कौन है, ठीक है बच्चों, समझ आगे सबको, देखिए टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, एक्स प्लस वन की वन बाय टू, एक्स माइनस वन की वन बाय टू, ऊपर टू ये नीचे, क्या बचेगा आंसर, एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, और ये कितना बन जाएगा, देखिए ये दोनों का बेस सेम है, अब यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर, यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन सपोज कोई बच्चा कहता है सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बताइए कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो बच्चों बड़ी पावर नीचे है तो इसको भी नीचे ले जाइए, टू माइनस वन बाय टू, तो क्या आ जाएगा, यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका आ गया, नेक्स्ट और भी कर सकते हैं इसको तोड़ के, लेकिन यहां पर छोड़ सकते हो, दिस इज आंसर, वो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have finding if y equal to 3 over 2x square plus 5 whole raised to power 3, find dy over dx, क्वेश्चन रूल तभी लगाइए अगर ऊपर भी x की टर्म्स है, फंक्शन ऑफ x है, क्वेश्चन रूल लगा भी सकते हैं तब भी आंसर आएगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेफर करो u over v तभी लगाओ अगर दोनों ही x की फंक्शन ऑफ x है, ये x की टर्म्स है, ऊपर भी अगर x की टर्म्स होती डिवाइड होता तो हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे हम प्रेफर कर रहे हैं कि जो पावर नीचे फंक्शन है उसको ऊपर ले जाइए, नाउ डिफरेंशिएट, बच्चों इसको ऊपर ले गए पावर माइनस होगी बोथ साइड्स with respect to x, derivative of y with respect to x, constant का derivative zero होता है, लेकिन constant अगर किसी के साथ multiply हो रहा है तो उसका derivative zero नहीं होगा, उसको साथ में रखो, बाहर रख लो, और derivative किसका करना है, function of x का, समझ लगी सबको, हम बता चुके हैं constant into function का derivative हो तो, अकेला constant हो तो derivative zero होता है, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर चल जाता है, और डेरिवेटिव फंक्शन एफ एक्स का होता है, ओके, तो बच्चों कॉन्स्टेंट को बाहर रखा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एज इट इज, इस पे पावर रूल, क्यों पावर रूल, पावर रूल किसी की पावर कॉन्स्टेंट हो, पावर नीचे एक पावर छोटी, फिर इस एक्स का डेरिवेटिव, व्हाट इज पावर रूल, पावर बच्चों जब भी किसी की पावर कॉन्स्टेंट हो, पावर रूल, पावर को नीचे ले जाइए, फिर पावर को नीचे ले आइए और इस फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर दो, पहले पावर कितनी थी, माइनस थ्री, एक छोटी होगी, व्हाट इज पावर रूल, पावर नीचे एक पावर कम कर दो, फिर इसका डेरिवेटिव, आई होप क्लियर सबको, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, पावर क्या होता है, पावर नीचे इसकी पावर में वन माइनस कर दो, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, तो इट कम्स टू बी माइनस नाइन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर माइनस फोर, कॉन्स्टेंट टू एज इट इज, अभी बताया मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का टू एक्स की पावर वन टू एक्स, तो टू एज इट इज मल्टीप्लाई टू एक्स, अकेला कॉन्स्टेंट हो तो बच्चों ये देखिए टू एज इट इज x स्क्वायर का 2x, अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव जीरो, आंसर कम्स टू बी, बच्चों ये 4x बन गया, 9 फॉर द 36, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले जा सकते हो, दिस इज आंसर, काफी आसान क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट सम, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने समझ आएंगे बच्चों, राइट ऑन मोर क्वेश्चंस, देखो बच्चों सारे सिमिलर हैं, थोड़ा अलग सा कराते हैं,
देखिए बच्चों, keep in mind, log की प्रॉपर्टीज प्लस वन क्लास में कही थी, log m n p equal to log m plus log n plus log p, so on so on. First property of log, log में अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी वैल्यू होती है सबका log, अलग अलग लेके प्लस कर दीजिए, log m into n into p equal to log m plus log n plus log p plus o. अच्छा ऐसे नहीं कंफ्यूज होना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, this is not equal to log m plus log n. अगर m plus n का log होता है, it is never equal to log m plus log n. तो multiply में बच्चों log सबका अलग अलग लिख के बीच में plus का sign sum कर देंगे, लिख सकते हैं. Okay, second property of log, अगर log में दो number divide हो रहे हैं, it is equal to log first का ऊपर वाले का माइनस लॉग सेकंड वाले का. इन्हें याद करना है, प्लस वन में बताया, सबको बताया हुआ है, लॉग एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम. नेवर कंफ्यूज, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको एन नीचे ले आए, नहीं ले जा सकते. लॉग की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एम एन पी मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, उनका लॉग कल्ले कल्ले का लॉग होता है, बीच में प्लस का साइन. दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, लोग उनका कल्ले कल्ले का लोग, बीच में माइनस का साइन. m की पावर n का लोग, इट इज n लोग है. फाइन, तो इस पे क्वेश्चन लिखेंगे, डिफरेंशिएट लोग, बच्चों लोग x plus 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x. This is what function of x, fx, इसको y suppose कर सकते हैं, वो ये x की terms है, तो y is what, this is y. log किसका है बच्चों, log x plus 2 into this, log of two numbers, ये numbers multiply हो रहे हैं. अगर log में कोई भी numbers multiply हो, दो हो, जब तीन हो, जब जितने मर्जी हो सकते हैं, तो log सबका अलग अलग लेके plus का sign डाल दो. बच्चों यहां पे log की प्रॉपर्टी, log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस log ऑफ सेकंड नंबर, दो ही नंबर है, हम सीधा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यूज दी प्रॉपर्टीज ऑफ log. तो बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस का साइन है, log इसका अलग से डेरिवेटिव प्लस इसका अलग से डेरिवेटिव, समझ लगी सबको? ओके, तो बच्चों log x plus 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे, अब log x cube minus 3 का, याद करिए log x का डेरिवेटिव, बताइए बच्चों हमने याद करवाया था आपको, what is the derivative of log x, it is 1 over x, fine. अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है log, बोलो बच्चों किसका डेरिवेटिव निकालना है, log x plus 2 का. तो log x का 1 by x है, जो भी log के साथ है उसको नीचे ले जाओ. देखो बच्चों log x का डेरिवेटिव 1 over x, x की जगह पे कौन आया, x plus 2, log x डेरिवेटिव को log x equals to 1 by x. अगर log x का डेरिवेटिव 1 by x है, तो log x plus 2 का कितना होगा, बच्चों x की जगह पे x plus 2 का रख दिया, तो बन गया. जिसको भी x की जगह पे रखते हो, फिर उसका भी डेरिवेटिव हम बता चुके हैं. देखिए यहाँ पे dy over dx equal to log x 1 over x, x की जगह पे कौन आया, x plus 2, जो भी x की जगह पे आता है उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं. यहां पे क्यों नहीं किया सर, किया है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इसलिए नहीं लिखा. आई होप क्लियर है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, फिर उस x plus 2 का डेरिवेटिव, चाहे ये भी 1 ही आएगा, प्लस फिर इसका डेरिवेटिव, देखिए log x, x की जगह पे कौन है, x की जगह पे ये फंक्शन चल गया, तो जो भी x की जगह पे जाता है
उसका भी डेरिवेटिव होना है. इट कम्स टू बी बच्चों x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0. देखो x क्यूब का बता चुके हैं पावर रूल, x का 1. दिस इज आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1 ओवर x प्लस 2 3x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब माइनस x. वंस मोर, तो log ऑफ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log. फर्स्ट प्रॉपर्टी log m प्लस log n. डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x. तो x की जगह पे कौन है? x प्लस 2. x की जगह पे x प्लस 2 लिख दो. अगर जो भी x की जगह पे आता है आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मूला उसका भी डेरिवेटिव करो फंक्शन का. यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका 1 है प्लस log x. x की जगह पे कौन है? x क्यूब माइनस x. यहां पे कितना आ गया? 1 ओवर x क्यूब माइनस 1. तो जो भी x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव करो आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मूला. तो बच्चों x का 1, 2 का 0, लुक हियर, x क्यूब का 3x स्क्वायर पावर रूल से x का 1. दिस इज द आंसर. समझ आ गई सबको? काफी आसान क्वेश्चंस हैं, प्लस 1 क्लास में किए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस समझिए ताकि ये बेस बनेगा तो आप आगे क्वेश्चन कर सकेंगे. और लिखिए जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन हो. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इफ y इक्वल टू 5 रेज टू पावर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 5. फाइंड dy ओवर dx. तो गिवन दैट y इक्वल टू 5 रेज टू पावर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज पावर 1 बाय 2, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बाय 2, फिर होल पावर 5. y इक्वल टू 5 की पावर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. बच्चों पावर की जो पावर होती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करिए, 1 बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 बाय 2. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x dx. प्लस का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसका भी कर देंगे, प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसका भी कर देंगे. तो नाउ देखो बच्चों, दिस इज कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल. याद करिए a की पावर x का डेरिवेटिव a की x log ऑफ a, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x a की x log ऑफ a इनटू x का डेरिवेटिव, वो तो 1 है हमने लिखा नहीं. इट कम्स टू बी a की जगह पे कौन है? 5. यहां पे 5 लिख दीजिए, 5. x की जगह पे कौन है? x की जगह पे कौन है बच्चों? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 a की पावर x, a की x, a की x log ऑफ a, a कौन है? 5. जो भी x की जगह पे आया फॉर्मूला जैसे ही कंप्लीट हुआ उस x का भी डेरिवेटिव करो. ये तो चले ही बार बार. डेरिवेटिव ऑफ, हाँ जी बच्चों, x की जगह पे कौन आया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. लो जी अंडर रूट कैसे लिखते हैं? तो दिस इज व्हाट पावर रूल. व्हाट इज पावर रूल? पावर को नीचे उतार दीजिए और पावर में जाकर एक माइनस कर दीजिए इनटू d by dx of x square plus 1. I hope clear sabko. So we have dy by dx. This is as it is. बच्चो इसपे power rule. इसपे power rule. क्योंकि किसी की power constant है तो power rule. तो power rule क्या होती है? Power को नीचे उतारिए, उतार दी. एक power minus कर दीजिए, minus 1 into इसका फिर से derivative. लो जी बच्चो, प्लस कितना बन जाएगा? 5 बाय 2, दिस इज 3 बाय 2. एक्स स्क्वायर का याद किया हुआ है 2x पावर रूल के साथ, 1 का 0 कांस्टेंट है. तो दिस इज लास्ट स्टेप, 5 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ 5. मतलब ये 2 नीचे हैं, इसकी पावर कितनी है एलसीएम लेने के बाद? -1/2. सो -1/2 को +1/2 करना है
तो पावर को नीचे ले जाओ, पावर 1 बाय 2 बन गई, उसको आप अंडर रूट में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर 5x इनटू। तो बच्चों जल्दी जल्दी एक बार फिर से, a की पावर x, a की x लोगे फिर x का डेरिवेटिव, वो तो कर रहे हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की x लोगे, जो भी x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव, a की x लोगे जो x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव पावर रूट, पावर नीचे एक पावर छोटी, और जो भी x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x कौन है, x के प्लस 1। तो बच्चों ये एज इट इज रहेगा, इस पे पावर रूट लगेगा क्योंकि किसी की पावर कांस्टेंट, पावर नीचे एक पावर कम होगी, और पावर रूट पावर नीचे एक पावर कम होगी और इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बच्चों ये एज इट इज पावर माइनस 1 बाय 2 का 1 बाय 2 बन गई, उसको रूट में लिख लिया, इसका 2x प्लस 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज आंसर। समझ लगी सबको? ओके, तो बच्चों जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सबका। एक और अच्छा सा सम करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना, राइट डाउन। हाँ जी बच्चों, इफ वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों वाई हमें गिवन है e की पावर x माइनस e की माइनस x ओवर e की x, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड। जब भी दो फंक्शंस x की टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, क्वेश्चन रूल, व्हाट इज क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v, दिस इज 1 दिस इज 2, v स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड सेकेंड। तो जो यहां पे नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप क्लियर सभी को। इट कम्स टू बी This is as it is, e की पावर x का डेरिवेटिव हमने कुछ याद किया है, e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, फिर x का भी डेरिवेटिव करते हैं, वो तो हर वक्त करते हैं, इनटू 1 ही आएगा, सो लिखा नहीं, तो e की x का e की x। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, फिर ये x का डेरिवेटिव वो तो 1 है, तो अगर हमने e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव करना है, अब x की जगह पे कौन आएगा, माइनस एक्स जाएगा, जो भी एक्स की जगह पे जाता है फिर उसका भी डेरिवेटिव होता है। तो ई की एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझा सबको, ई की एक्स का ई की एक्स होता है, तो ई की माइनस एक्स का एक्स की जगह पे कौन चल गया, माइनस एक्स, जो भी एक्स की जगह पे जाता है उसका भी डेरिवेटिव। तो वी हैव, देखिए बच्चों ई की एक्स का ई की एक्स ही होगा, तो बच्चों जो भी एक्स की जगह पे गया कौन गया, माइनस एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, एक्स का 1 है तो ये माइनस बाहर चल गया, तो माइनस एक्स का कितना हो गया, माइनस 1, तो बच्चों ये माइनस आगे आ गया प्लस हो गया। समझ लगी सबको, दिस इज एज इट इज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई की एक्स, ई की एक्स, तो यहां पे ई की एक्स का ई की एक्स ही होगा, लेकिन एक्स की जगह पे कौन है, माइनस एक्स, जो भी एक्स की जगह पे जाता है उसका भी डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, तो बच्चों माइनस 1 मल्टीप्लाई होना था वो मैंने यहां पे रख दिया। समझ लगी सबको, फिर बच्चों एलसीएम को ब्रेक कर दिया, स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फायदा, लो जी इसको वाला आंसर आ गया। बच्चों हमने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों ये दो पावर्स हैं, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो ये 1 बन गया। देखिए बच्चों
ये कितना बन गया e की x माइनस e की माइनस x का होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं दोनों की इकट्ठी। तो वी हैव डेरिवेटिव इक्वल टू 1 माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली y, यू कैन सी हियर वी हैव प्रूव्ड दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर, हैंस प्रूव। समझ आया सबको? तो बच्चों आज हमने पावर रूल के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जितने सम्स करेंगे उतने ही आपको आएंगे, तब तक आप भी प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।